वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एटसिक्स में। और रुख करते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक अपडेट आ रही है दोस्तों, और ये अपडेट बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो 2017, 18 और 19 के रिगार्डिंग ये वैकेंसी निकाली गई थी करीब 267 पदों के लिए, उसको रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इसकी ऑफिशियली नोटिस के जरिए। एक तो सालों के बाद यहाँ पर भर्ती निकाली गई और उसको रद्द कर दिया गया है दोस्तों। चलते हैं लेकर इसके ऑफिशियल अपडेट पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन उससे पहले अगर जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक और वीडियो यहाँ पे पब्लिश किया है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बिहार के उन छात्रों के नौकरी के लिए है। रिगार्डिंग यहाँ पे बताई गई है, कुछ बातें आप तक शेयर करने की कोशिश की गई है, सरकार के खिलाफ यहाँ पे कुछ बातों को रखा जा रहा है, लेकिन समझने के ऊपर है लोगों का क्या सुझाव है। आप लोग कमेंट करके आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं यहाँ पर सरकार के लिए, जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और बिहार SSC इंटर लेवल परीक्षा को लेकर भी अपडेट दिए गए हैं, दोनों वीडियो ये देख सकते हैं आप लोग जाकर हमारे चैनल के माध्यम से ही। दोस्तों, लेकर चलते हैं अब आपको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस पब्लिश हो रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है आप देख सकते हैं, और या तो फिर यहाँ से भी इस नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए, इसको मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड कर रखा है, मैं इस नोटिस को दिखलाता हूं आपको यहां पे। दोस्तों, तो ये नोटिस डाउनलोड हो चुका है आपके लिए, और झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से ये अपडेट आया है कि संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2017, 18 और 19, इन तीन सालों के लिए ये जो परीक्षाएं निकाली गई थी, 1/2020 एडवर्टाइजमेंट संख्या है, इसके संबंध में ही ये आवश्यक सूचना दी गई है। और इस आवश्यक सूचना में दोस्तों कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से इसको रद्द किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया है कि आखिर क्यों इस वैकेंसी को रद्द किया गया है। चूंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि निमित्त विभिन्न विभागों से प्राप्त जितनी भी अधियाचनाएं थी उसको वापस ले लिया गया है, जिसके कारण झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा तत्संबंधित प्रकाशित विज्ञापन 1/2020 को रद्द किया जाता है। और ये सरकार जो है यहाँ पर सिर्फ लॉलीपॉप खिलाने का काम कर रही है। आपको यहाँ पर एक वैकेंसी दिखलाई, वैकेंसी थी 267 पदों के लिए, और उसको फाइनली इसको रद्द कर दिया गया है। अब इसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है कि कब तक आएगा या कब इसकी बारे में ऑफिशियल अपडेट किए जाएंगे, कब तक इस वैकेंसी को लिया जाएगा। जैसे ही इसका कोई अपडेट आता है मैं आप तक अपने चैनल के माध्यम से शेयर करूंगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी थी जिसको रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ झारखंड भी, यानी कि बिहार के साथ साथ झारखंड भी इसी रास्ते पे चल पड़ा है, और यहाँ पर भी अब जो है वैकेंसीज को लेकर रद्द करने का प्रोसेस भी चालू हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक ये सारी चीज़ें शेयर की है। वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं क्यों रद्द किया गया है। अगर कोई जानता है तो कमेंट करके ये भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अपशब्द का उपयोग ना करेंगे, और जो भी अपडेट यहाँ से दिए गए हैं इसको आप लोग फॉलो करेंगे और देखेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, हमारे साथ आप बने रहें इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।